नीमच के गौ सेवा धाम पर जिला कुश्ती एसोसिएशन की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नीमच जिले के कुश्ती संघ से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान आगामी 20 व 21 नवंबर को आयोजित की जा रही है मध्य प्रदेश स्तर की कुश्ती का आयोजन पहली बार जिले में होने जा रहा है, जिसे लेकर कुश्ती संघ से उत्साहित है। अनुमान के मुताबिक 250 से 300 पहलवान नीमच में आयोजित हो रही मध्य प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेंगे। मध्य प्रदेश के विभिन्न कोनों से पहलवान आने को लेकर उत्साहित है और उन्होंने अपनी सहमति कुश्ती संघ को दे दी है। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि कुश्ती का आयोजन राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम में किया जाएगा, साथ ही पहलवानों के ठहरने और रहने खाने संबंधित अन्य व्यवस्थाएं दूसरे स्थान पर की जाएंगी। आज गौ सेवा धाम पर जिला कुश्ती संघ की एक विशेष बैठक रखी गई, उसमें सभी भाई व्यवस्थित रूप से आए और चर्चा हुई है। उसमें आने वाली 20 और 21 तारीख को यहाँ पर मध्य प्रदेश चैंपियनशिप की कुश्ती होने जा रही है, जो इस नीमच में पहली बार होगी। इसके पहले मध्य प्रदेश चैंपियनशिप की कुश्ती नहीं हुई है, ये पहली बार होने जा रही है। इसमें ग्वालियर के, जबलपुर के, इंदौर के, भोपाल के, करीब करीब सभी जिलों के पहलवान और बच्चियाँ भी, महिला बच्चियाँ भी आएगी, उन सब की कुश्ती रखी गई है। और इस चैंपियनशिप में जो जीत के जाएगा वो रांची जाएंगे। और यहाँ पे ये कार्यक्रम इस नीमच जिले में पहली बार हो रहा है और इन सब लोगों का सहयोग मिल रहा है, और इसी प्रकार से नीमच जिला कुश्ती संघ के द्वारा। नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।